इसमें गवर्नमेंट के जो हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया में किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी यहाँ पे ऐसे कोई कंडीशंस नहीं है, लेकिन जो कोविड के जो प्रिकॉशंस है वो लोगों को यू नो ऑब्वियसली अडॉप्ट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये जो आज मार्केट में हमने करेक्शन देखा ये इनिशियल नीजर रिएक्शन है। मेरे ख्याल से मार्केट्स डेफिनेटली आने वाले दिनों में होपफुली कोरोना के केसेस कैसे बढ़ते हैं या किस प्रकार से इसकी बढ़त होती है ये क्लोजली वॉच करेगा। यहाँ पर अगर कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है तो मैं समझ कि मार्केट बाउंस बैक भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई खतरा इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं है। बट हाँ, इंडेक्स को अगर हम देखें तो 18,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 18,000 हम मेंटेन करते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपरी लेवल पे मुझे लग रहा है कि 18,450 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेरे ख्याल से जो निवेशक यू नो थोड़ा सा निवेश भी करना चाहते हैं मेरे ख्याल से अच्छा मौका है, बट डेफिनेटली कॉशियसली ट्रेड करिए, यही मेरी राय रही। स्वाति, हमको FMCG स्पेस में बजाज कंज्यूमर केयर पसंद है। ये कंपनी बेसिकली कुशग्रा बजाज ग्रुप की कंपनी है जो हेयर ऑयल मार्केट में बहुत बड़ा यू नो मार्केट शेयर कमांड करती है। इनका बादाम तेल, कोकोनट और आमला तेल काफ़ी पॉपुलर है। पिछले साल इन्होंने करीबन 880 करोड़ के रेवेन्यू में करीबन 170 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, 20-21% के कामकाजी मुनाफे के मार्जिन है। इस बार पहले 6 महीने में भी कंपनी ने ठीक ठाक नंबर दिखा है और कंपनी ने अभी एक बायबैक भी अनाउंस किया है जो बेसिकली एक ओपन मार्केट बायबैक है। करीबन 80 करोड़ का बायबैक है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि 240 रुपये तक वो खरीदेंगे। हमारा मानना है कि कंपनी के पास करीबन 600 करोड़ की कैश है और जिस प्रकार से अभी टेलविंड्स है जैसे कि क्रूड की कीमतें कम हो चुकी है, कमोडिटी प्राइसेस कम हो चुके हैं, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो साल भर का नजरिया कोई रखता है तो मैं समझता हूँ कि 225 का टारगेट प्राइस यहाँ पे मिलेगा और रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये मेरी तरफ से एक साल भर का वैल्यू पिक। देखिए, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में तेजी का कारण इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने कहा है कि सारी दूसरी जो छोटी इंश्योरेंस कंपनीज है वो शायद LIC के साथ मर्ज होगी और उसमें शायद मार्केट ये अनुमान लगा रहा है कि GIC का भी नंबर लग सकता है। हमारा मानना है कि देखिए, अगर इनका कम से कम 6 से 8 महीने का नजरिया है तो होल्ड करिए, क्योंकि अगर ऐसा मर्जर होता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा यू नो मर्जर रेशियो पॉसिबली GIC के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी गवर्नमेंट का स्टेक है। तो मैं कहूँगा इनको होल्ड करिए, इनके लिए थोड़ा सा मुनाफा जरूर है लेकिन 6-8 महीने अगर ये होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड शायद और भी अच्छा मिल सकता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि मेटल शेयर से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए क्योंकि चाइना में अभी जो कोविड के रिपोर्ट्स आए हैं इससे एक बात तो क्लियर है कि जो इकोनॉमी में रिकवरी और ओपनिंग अप की बातें चल रही थी उसमें ऑब्वियसली डिले होने की संभावना है। अभी तो इन्होंने अभी अभी लिया है, काफ़ी मामूली नुकसान है, तो मैं समझता हूँ कि इनको अगर यू नो निकल जाना है तो कोई दूसरा विकल्प में ये पैसा लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से प्राइवेट बैंक्स में फेडरल बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है जहाँ पे यू नो उनको एक कैपिटल पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो नैल्को से निकल जाइए क्योंकि मेटल सेक्टर में हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे। देखिए, रिलायंस में मुझे लग रहा है इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा जो नियर टर्म का ट्रिगर है वो 5G का रोल आउट है। उसके बाद जनवरी में जियो फाइनेंशियल का यू नो का शेयर भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जियो फाइनेंशियल जो उनके फाइनेंशियल कारोबार का बिजनेस है उसको डीमर्ज किया जाएगा, शेयर होल्डर्स को यू नो फ्री शेयर्स यहाँ पे दिए जाएंगे, प्लस कोर बिजनेस काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर ये 6-8 महीने अगर होल्ड करते हैं तो होपफुली मुझे लग रहा है कि 2900-3000 का यू नो एक नियर टर्म का फेयर वैल्यू रिलायंस में मिल सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार करें, यहाँ पे बेचने की गलती ना करें। स्वाति, लगता है इन्होंने बहुत ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक लिया है और ये स्टॉक की खासियत है कि इन्होंने पिछले 2 साल में पैसा इसलिए बनाया क्योंकि कोविड में इनको बहुत अच्छा बिजनेस मिला। कोविड के रिपोर्ट्स जिस प्रकार से आ रहे हैं शायद उसी लिए आज स्टॉक थोड़ा सा तेजी में था। यहाँ पे बाइंग प्राइस बहुत ऊपरी लेवल की है जो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आना जरा मुश्किल लग रहा है, तो कोई भी उछाल में इसको निकल जाना चाहिए। थोड़ा सा यू नो जनवरी टू मार्च के क्वार्टर का आप इंतजार करें, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी अच्छा राइज आपको मिलता है तो एग्जिट कर लीजिए। कासिम में मेरे ख्याल से स्वाति इनको होल्ड करना चाहिए क्योंकि देखिए ये होल्डिंग कंपनी है और यहाँ पे नॉट ओनली यू नो इनका टेक्सटाइल और VSF का बिजनेस है। डेफिनेटली जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल इन्होंने डेवलप किया है हमको लग रहा है कि इनके सारे जो ग्रुप कंपनीज है जैसे कि यू नो आइडिया है, उसके बाद यू नो आदित्य बिरला फैशन है, सीमेंट है, अल्ट्राटेक है, ये सारी बिजनेसेस अगर अच्छी चलेंगी तो डेफिनेटली इनको फायदा होगा। प्लस क्रासिम अभी पेंट बिजनेस में भी उतर रही है तो लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से अच्छा खासा अपसाइड पॉसिबल है। कम से कम 6-12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखना जरूरी है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक थोड़ा लो रेंज में रहे बट यहाँ पे बने रहे। स्वाति, यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें क्योंकि आपने सही कहा कि अक्टूबर टू मार्च नॉर्मली सीजन होता है महिंद्रा हॉलीडेज के बिजनेस के लिए और जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, जिस प्रकार की अभी सिचुएशन है कि आपको होटल बहुत आसानी से मिलती नहीं है, मुझे लग रहा है कि बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस वाला साल रहेगा, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी।
मुझे लग रहा है कि आईटी कंपनीज में अगर नजरिया कम से कम साल डेढ़ साल का है तो ही निवेशित रही है, क्योंकि देखिए आईटी में दो हेडविंड्स है, यूएस के मार्केट्स और यूरोप के मार्केट्स देखें तो काफ़ी कठिनाइयाँ इस मार्केट से आ रही है। लग तो रहा है कि अगले दो तीन क्वार्टर्स थोड़े से ग्रोथ के लिए कठिनाई वाले होंगे, तो यहाँ पे अगर नजरिया लंबा है तो ही होल्ड करें, अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो यहाँ से एग्जिट कर लीजिए। बट मेरे ख्याल से बिरला सॉफ्ट में इतना बड़ा नुकसान इनको हो रहा है तो पोजिशन होल्ड करिए, लेकिन डेफिनेटली दो तीन क्वार्टर्स थोड़ा सा टिमिड ग्रोथ के लिए तैयार हो जाइए। मेरे ख्याल से देखिए सुमिटोमो एक ऐसी केमिकल कंपनी है जो बहुत ही वेल नोन है, काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड इनका प्रोडक्ट मिक्स है, और मुझे लग रहा है मार्केट के यू नो डाउनसाइड में सेंटिमेंट के कारण ये शेयर नीचे गिर रहा है। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया कम से कम साल डेढ़ साल का है तो इसको और भी ये एवरेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा विकल्प है, लॉन्ग टर्म यू नो वैल्यू क्रिएटर बन सकता है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए, लेकिन समय थोड़ा सा लंबा दे दीजिए। हमको लग रहा है डेफिनेटली आने वाले साल डेढ़ साल में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, कि बहुत समय के बाद ऑटोमोटिव सेक्टर में तेजी आ गई है और पैसेंजर कार मार्केट में मारुति सुजुकी के पास बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है। प्लस सबसे बड़ी बात जो कमोडिटी के प्राइसेस है जैसे स्टील के कीमतें हैं वो काफ़ी ऊपरी लेवल से घटी है, तो मेरे ख्याल से मार्जिन इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। प्लस अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च ये नॉर्मली कंपनीज के लिए एक अच्छा पीरियड माना जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया लंबा है कम से कम यू नो 12 टू 15 मंथ्स तो इसमें ज़रूर पैसा बन सकता है। यहाँ पे करीबन 9,600 का फेयर वैल्यू बनता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए और होल्ड ऑन करिए। कि स्वाति इन्होंने बहुत ही अच्छी एंट्री लेवल पे कैनरा बैंक में एंट्री की है, मैं समझता हूँ कि देखिए थोड़ा सा मुनाफा वसूली अगर ये चाहे तो 20-25% ये स्टॉक थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस क्वांटिटी जरूर होल्ड करिए, क्योंकि कैनरा बैंक के जो कोर नंबर्स है पिछले सेकंड क्वार्टर में वो बहुत ही मजबूत आए थे, प्लस उनकी जो हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी है कैनफिन होम्स ये भी बहुत अच्छा कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में बैंकिंग सेक्टर में जो तेजी है वो बरकरार रहेगी और कैनरा बैंक को भी बेनिफिट मिलेगा, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए और बैलेंस क्वांटिटी कम से कम 12-15 महीने के लिए होल्ड करिए। देखिए यहाँ पे इनफैक्ट स्वाति ये जो कंपनी है यहाँ पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काफ़ी बड़ा यू नो एक्सपोजर है, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक ये कंपनी थोड़े से लीगल यू नो केसेस में भी अटकी है, लेकिन प्रोजेक्ट्स इनके काफ़ी अट्रैक्टिव है, अगर नज़रिया थोड़ा सा लंबा है तो होल्ड करिए। कल्याणी ग्रुप कंपनी है, प्रोजेक्ट्स इनके जो बेल्ट के अंडर है बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे इवेंट जब तक क्रिस्टलाइज इनके फेवर में नहीं होता तब तक शेयर थोड़ा सा मंदा रहेगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए और होल्ड ऑन करिए, जल्दबाजी ना करिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा स्लो चले या थोड़ा अंडर परफॉर्म करे, बट नज़रिया 12 से 15 महीने रखिए और होल्ड ऑन करें। इनफैक्ट 8 से 10 दिन के लिए स्वाति हमको जो स्टॉक पसंद है वो बेसिकली हॉस्पिटैलिटी कंपनी है डेल्टा कॉर्प। हमको लग रहा है कि नंबर्स अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर के बहुत बढ़िया आएंगे, क्योंकि ये मेन सीजन होता है। करीबन 225 का एक 8 से 10 दिन का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, यहाँ पे 200 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, और मुझे लग रहा है कि इस कंपनी को कोविड से या कोई दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर से कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो डेफिनेटली अच्छा अट्रैक्टिव बेट लग रहा है, तो डेफिनेटली ये 8 से 10 दिन के लिए ये मेरी तरफ से